हमारे साथ है कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट, और सचिन पायलट ड्राइविंग सीट पर है और आप देखिए कि भीड़ के बीच में संतुलन बनाने की कला के अंदर माहिर है। सामने देखिए कि एक भीड़ का रेला है, एक नामांकन रैली को संबोधित करने के बाद में दूसरी रैली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भीड़ के बीच से निकालना, ड्राइविंग करना और समर्थकों से हाथ भी मिलाना, ये कला अपने आप में अनूठी है और हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे बिरले ही नेता हैं जो इस तरीके से भीड़ के साथ में हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने की तरफ भी तस्वीरें, तो संतुलन की ये कला, पायलट साहब ये समर्थकों से बात भी करना और ड्राइविंग से भीड़ टू भीड़ के संतुलन भी बनाना, तो पायलट साहब ये जो आपकी कला है ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना, संतुलन बनाना और समर्थकों से बात भी करना, मुझे पता है कहाँ गाड़ी रोकनी है, कहाँ धीरे करनी है और कहाँ लोगों ने, मतलब मेरे को शौक भी है गाड़ी, ये संतुलन सियासत में काम आ रहा है, उसका जवाब तो आपको दे, मेरे को काम आ रहा नहीं है, लेकिन मैं वो करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। राम राम साहब। लेकिन राजस्थान की सियासत में ही अशोक गहलोत के साथ वो संतुलन, आप ये ड्राइविंग सीट वाला काम नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कांग्रेस भाजपा का जो वोट का डिफरेंस है ज़्यादा नहीं था इस बार, ठीक है, हमें दुख है, हम कामयाब नहीं हो सके सका बनाने में, लेकिन फिर भी हम 70 MLA जीत कर आए हैं 200 में से। ये जो आपका संतुलन है, ये इंडिया गठबंधन इस संतुलन में कहाँ पिछड़ गया कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और अब नामांकन आप दाखिल कर रहे हैं? इंडिया अलायंस का गठबंधन की जो पार्टीज हैं उनका वोट शेयर 65% था पिछली बार, तो हमारा गठबंधन मजबूत है, एक दो दलों को कुछ हिचकिचकच थी लेकिन मोटे तौर पर इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत गठबंधन है, लगभग हर राज्य में लोग चुनाव जीतेंगे। इतना आसान नहीं है सचिन पायलट के साथ इस वक्त बात भी करना, और तस्वीरें आप इस वक्त देखिए कि यहाँ किस तरीके से, या भीड़ आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किल है इस भीड़ के बीच में, आप देखिए कि सामने व्यवस्था बनाए रखना, हमसे बात भी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। पायलट साहब, जो ये बिहार और महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, अभी तक अलायंस नहीं हुआ? बिल्कुल, घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी, दोनों राज्यों के अंदर इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, बहुत चंद सीटों पे एनडीए सिमट जाएगा, महाराष्ट्र में भी और बिहार के अंदर भी। आप अभी मंच से कह रहे थे कि आपके खाते फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपको हार का डर सता रहा है इसलिए आप ये बहाना कर रहे हैं। बहाने की क्या बात है, 1994 का कोई नोटिस दिखाया उसके आधार पे आप कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दें, यूथ कांग्रेस के, NSY खाते फ्रीज कर देना, मुख्य प्रमुख जो हमारी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस है उसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आप बाधाएं पैदा करेंगे चुनाव लड़ने में, पैसे जब्त कर लेंगे, जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये लिए हैं उनके खाते फ्रीज नहीं होंगे, लेकिन हमारी पार्टी को आप वैसी आर्थिक तंगी में करना चाहते हो, खाते सीज कर दोगे, ये कहाँ का ये न्याय है लोकतंत्र में, गलत है। एक जो राजस्थान में भी आपके सामने कांग्रेस को इस वक्त कई जगह बगावत का सामना करना पड़ रहा है, ये जो मुश्किल स्थिति पैदा हो रही है इससे कैसे निपटेंगे? हम करेंगे संघ, हम डरते नहीं हैं, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम है जनता को पता पड़ना चाहिए कि जानबूझ के प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया गया है, खातों को सीज करना, नेताओं को डराना धमकाना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, ये अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर पहले भूपेश बघेल को लेकर विरोध, अब एक और नेता को लेकर, वहाँ की स्थितियाँ जो छत्तीसगढ़ की बन रही है उसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी छत्तीसगढ़ में, मैं ऐसा मानता हूँ। तो काफी
बड़ी बात है कि आप हमसे बात भी कर रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं और काफी मुश्किल है, और जो भीड़ सामने देख रहे हैं, कैमरा पर्सन मनीष दिखाएगा, आप देखिए कि कैसे तकरीबन यहाँ पर भीड़ का रेला है। और ये सचिन पायलट की लोकप्रियता है, क्राउड कूलर नेता की एक लोकप्रियता है, और इसके बीच में आप देखिए कि लोगों से हाथ मिलाना, बात करना, ये सब इतना आसान नहीं है जितने में आप देखिए कि लोगों से बात करते हुए हमसे भी बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ इस वक्त भारी भीड़ है। पायलट साहब, तो आप देखिए कि पायलट साहब, राजस्थान के अंदर इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? दो बार आप सुनने पाओगे। पिछली बार जो चुनाव हुए थे, एक अलग माहौल में चुनाव हुए थे, और हमारी एक सीमावर्ती राज्य है। इस बार स्थिति अलग है, लोग 10 साल के सरकार के काम को देख चुके हैं, सरकार की रिपोर्ट का देख कर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब लोग बदलाव भी चाहते हैं, ऊब चुके हैं, और हम लोगों ने मेहनत करी है, हम सरकार नहीं बना पाए, बावजूद उसके हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने क्या विपक्ष को एकजुट कर दिया? नहीं, विपक्ष तो एकजुट था ही, कुछ एक दल हैं जिनके कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जो वापस बीजेपी के पास एनडीए में चले गए थे, लेकिन हमारी पार्टी का जो गठबंधन है बाकी अलायंस के साथ वो मजबूत है। और बात एक व्यक्ति की नहीं है, किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री को रात को आप डिटेन कर लें, अरेस्ट कर लें, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई करना एक बहुत ही नकारात्मक संदेश जाता है देश के लोकतंत्र के बारे में। अब कहना कि एजेंसी अपना काम कर रही है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ये सारी बातें हैं, लेकिन सब जानते हैं कि किसके दबाव में ज़्यादा कार्रवाई होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो एक्शन है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आपको क्या लगता है कि इससे सीटें बढ़ पाएगी, कांग्रेस को फायदा होगा? देखो, यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, पहली वाली और दूसरी वाली, वो एक संदेश देने के लिए थी, भाईचारे का, आपसी प्रेम का, और जो टकराव समाज में पैदा होता है कभी कभी उसको समाप्त करने का, नौजवानों को सुनने का, किसानों को सुनने का, उनको आश्वासित करने का। मणिपुर से शुरू करी जहाँ इतना बुरा हाल हो गया था और केंद्र सरकार हाथ पैर धर के बैठी रही, तो यात्रा का लाभ समाज को मिला, देश को मिला, और निश्चित रूप से कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसमें ऊर्जा आती है, वो उत्साहित होता है जब यात्रा जाती है, एक कनेक्ट होता है लोगों से। ये जो इस बार आपकी जो इंडिया अलायंस की रणनीति क्या है एनडीए को हराने की? नहीं, हम तो देखो, हम इशू जो हैं पब्लिक के, हमने जो पहली पार्टी कांग्रेस जिसने कहा है कि हम सरकार बनने के बाद एमएसपी पे कानून बनाएंगे, हमने गारंटीज दी हैं नौजवानों को, महिलाओं को, उपेक्षित वर्ग है, श्रमिक लोगों को, तो जो तबका आज मुख्यधारा से जुड़ा नहीं है उनको कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, उनको आर्थिक ताकत दे सकते हैं, हम इशू बेस्ड राजनीति करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश में आज जो इशूज़ केंद्र सरकार उठा रही है वो इतने प्रासंगिक नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं विवादित मुद्दे, जज्बाती मुद्दे, कभी कभी धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन किसान, रोज़गार, निवेश, महंगाई, करप्शन, इन इशूज़ को लेकर अगर रिपोर्ट कार्ड देखें केंद्र सरकार की, तो बहुत उत्साहजनक नहीं है। आपकी पार्टी के जो निष्कासित नेता है प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि सचिन पायलट का बहुत अपमान हुआ, जिस तरीके से भगवान शिव ने जहर के घूंट पिए वो भी जहर के घूंट पी रहे हैं, आप क्या कहेंगे? किस नेता ने क्या टिप्पणी करी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है मेरी पार्टी में, उस काम को कर रहा हूँ। अलग अलग समय पर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, कभी प्रदेश में, कभी किसी और प्रदेश में। हम सब लोग आज चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। परिवर्तन जनता जाएगी, विकल्प मिलेगा, विकल्प हम देना चाहते हैं, सिर्फ नाम का नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल क्या हो सकता है, इशू बेस्ड राजनीति क्या हो सकती है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है, और व्यक्तियों से महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ देश है और संगठन है। आप की सरकार थी तब भी आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, तब कार्रवाई नहीं हुई थी, अब इस सरकार में कार्रवाई हुई, आपको क्या लगता अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो परिस्थितियाँ अलग होती, आप रिपीट कर पाते? जो समय निकल गया उस पर हम पीछे मुड़कर देखें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष हो और प्रतिशोध की भावना से ना हो, कार्रवाई ऐसी हो जो लोगों को लगे कि सही कार्रवाई है, और सरकार किसी की भी हो, नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक है, प्रशासनिक है या बहुत ताकतवर भी है, वो जांच जड़ तक पहुंचनी चाहिए ताकि भविष्य के पीढ़ियों को, लोगों को लगे कि नौजवानों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। अगर नौजवान नाउमीद हो जाएगा
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश और समाज के लिए? जातिगत जनगणना को लेकर आपकी पार्टी में काफ़ी मतभेद है। आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी के पहले के नेताओं की ये नीति नहीं रही थी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। पार्टी की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम सब लोगों को अनुशासन में रह के काम करना चाहिए। और अगर जनगणना होती है और लोगों को पता पड़ता है, देखिए जनगणना किस लिए करा रहे हैं, पता पड़े किस क्षेत्र में कौन से लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, ताकि सरकार का जो पैसा है, पॉलिसीज़ हैं, बजट्स हैं, उसको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर सकें। अगर हमको पता ही नहीं है कि कितने लोग कहाँ पर रह रहे हैं, तो हम किस प्रकार से नियम कानून पॉलिसी बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा, वो लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। और जब तथ्यात्मक स्थिति सामने आएगी, समस्या का समाधान तब कर पाएंगे जब हमको पता पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। और ये अच्छी मांग, मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान नहीं है, और पार्टी का एक यूनाइटेड एक व्यू है और हम सब उस पार्टी के व्यू के साथ हैं। जिस तरीके की आज टिप्पणियां हो रही है कंगना रनौत को लेकर, आपको क्या लगता है इनसे नुकसान होगा, या पीएम भी कहते हैं कि उनको औरंगजेब कहा जा रहा है? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन होना चाहिए पब्लिक इश्यूज़ को लेके, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, हम भविष्य में क्या ऑफर कर रहे हैं ये देखना चाहिए, और इशू बेस्ड राजनीति होगी, यही जनता एक्सपेक्ट करती है। अब किसी ने क्या ट्वीट किया, किसी ने क्या किया, मैं तो समझता हूँ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। और जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, लेकिन हमें लगता है कि इतना बड़ा चुनाव है, इसमें जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, उस पर एक ओपन डिस्कशन हो, और जनता तय करे कौन सा दल, कौन सी विचारा देश के लिए बेहतर है, उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बनस्पत इस पर कि व्यक्तिगत किसने आरोप लगाए और किसने खंडन किया, ये सब बातें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप, कितनी सीटें आपको मिल जाएगी, क्या इस बार उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए हम हर चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, पिछली दो बार हम लोग यहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है एक अलग तरह की हवा है, एक तरह का माहौल है, लोग भी उत्साह से कांग्रेस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा परिणाम आएगा, मैं आंकड़ों में नहीं जाता हूँ, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी पार्टी करने वाली राजस्थान में, और बल्कि बाकी स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हर जगह मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा मैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, विजिटिंग इंडिया।